हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा आज हम क्लास प्लस टू का कंपार्टमेंट के जो बच्चे आए हैं, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उसकी उनके लिए हम कुछ तैयारी करवाएंगे। बेटा आप ये वाले जो टॉपिक्स हम आपको करवा रहे हैं तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करें, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जो जो हम आपको क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं आप उनको अच्छे से कर लो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है बेटा, तो हम जो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। आपका चैप्टर है क्लास प्लस टू का, टॉपिक इज लीनियर प्रोग्रामिंग। अब आप एक बात सुने, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर एक क्वेश्चन डेड श्योर है कि आपके सेक्शन में आना ही आना है। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन 100% श्योर है, आएगा ही आएगा। तो वो आएगा क्या, टाइप क्या हो सकती है उस लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन की। सपोज आई हैव अ स्टेटमेंट से मैक्सिमाइज, क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू 6x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स इक्वेशंस आर 3x प्लस 5y से लेस देन इक्वल टू 15। सेकेंड स्टेटमेंट से 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान दें क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज करना है आपने जेड इज इक्वल टू 6x प्लस 5y। देखो बेटा मैक्सिमाइज का मतलब क्या, आपने मैक्सिमाइज का मतलब है बड़ी से बड़ी वैल्यूज का लेना। आपने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है और सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट जो लीनियर इनक्वालिटीज दी हुई है वो हमें कितनी दी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी सेकेंड। ये इनइक्वालिटी है, कोई भी इक्वेशन लेस देन में या ग्रेटर देन में लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। तो अब आप देखो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। देखो बेटा छोटी सी बात, हमें दो ही काम करनी है, जितने भी इक्वेशन हो सबसे पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके, मतलब 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 हमारा स्टेटमेंट है। आप क्या लिखोगे, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। करेंगे क्या, आप x को 0 पुट करना y की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे आप y को 0 पुट करेंगे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। मेन स्टेप नंबर 1, एक तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और नंबर 2 पे हमें क्या चेक करनी है, उसकी डायरेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा। सबसे पहले हमने कहा फ्रॉम फर्स्ट, ये जो इनइक्वालिटी उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करा, इक्वेशन बनी 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 15। इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले बेटा, x को 0 पुट करा, y किसके को लाया 15 बाय 5, दिस इज 3। जैसे आपने x को 0 पुट करा y आया 15 अपॉन 5, 3। और बेटा जैसे आप y को 0 पुट करोगे x कितना आएगा, 5। जैसे y को 0 पुट किया 3x 15 है, x 15 बाय 3 दिस इज 5। x को 0 पुट किया y आ गया 3, और जैसे आपने x को 5 पुट किया y आ गया 0। इक्वेशन नंबर 1 थी 3x प्लस 5 बाय 15। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सबसे पहले x को 0 पुट करेंगे y आ जाएगा, और जैसे आपने y को 0 पुट किया 15 अपॉन 3 कितना होता है बेटा, 15 अपॉन 3 इज 5। याद रखना पहले वैल्यू x की लिखेंगे और बाद में वैल्यू y की। स्टेप नंबर 1 क्लियर, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सेकेंड स्टेप है बेटा डायरेक्शन का। डायरेक्शन चेक करने के लिए जो भी स्टेटमेंट है आपने क्या करना, उसमें x को 0 और y को 0 पुट करो। 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 0 एंड 0 प्लस 0 0। अब आप बताएं क्या 0 नंबर 15 से छोटा होता है? यस दिस इज ट्रू, 0 नंबर 15 से छोटा, ये बिल्कुल ट्रू है। अब आ जाओ लाइन नंबर सेकेंड पर। नाउ फ्रॉम सेकेंड, बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या गिवन है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ओके ये इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। जैसे आप x को 0 पुट करेंगे देखो y कितना आएगा, 10 अपॉन 2 दिस इज 5। और बच्चे जैसे हमने y को 0 पुट किया x की वैल्यू 10 अपॉन 5 कितनी आ गई, 2। जैसे y को 0 पुट किया 5x 10 है तो 10 अपॉन 5 आ गया 2। x को 0 है तो y 5 है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू 2 है तो y क्या है, 0। डायरेक्शन चेक करेंगे क्या करेंगे, x को 0 y को 0 पुट करो, क्या 0 नंबर 10 से छोटा होता है, ये बात भी बिल्कुल ट्रू, 0 इज लेस देन 2। अब आप कहोगे मैम ये ट्रू का क्या मतलब है, बेटा ट्रू का मतलब है जो भी ग्राफ होगा उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज टूवर्ड्स ओरिजिन, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ओरिजिन की तरफ होगी। और अगर यही स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए तो फॉल्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम ओरिजिन। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो कैसे ड्रॉ होगा इसका ग्राफ। बच्चे ये x एक्सिस है और ये है हमारी y एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब आप यहाँ ध्यान दें जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं उसमें मैक्सिमम वैल्यू 5 तक आ रही है, से 1 2 3 4 5, अगेन यहाँ भी 1 2 3 4 और 5। ध्यान दें जब x की वैल्यू 0 है y आया 3, x 0 y 3 यहाँ बनेगा,
स्टेप नेक्स्ट एक्स इज 5 तो वाई 0 यहाँ बना. आपने क्या किया इन दोनों लाइन्स को, ये आपकी लाइन नंबर 1 बन गई. दिस इज योर लाइन नंबर 1. बेटा ध्यान दे लाइन नंबर 1 की डायरेक्शन क्या आई है, ट्रू. ट्रू का मतलब है ग्राफ की जो डायरेक्शन होगी वो ओरिजिन की तरफ होगी. मतलब ओरिजिन तो ये पॉइंट है ना जहाँ एक्स और वाई एक दूसरे को कट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. ग्राफ डाउनवर्ड्स हो. 1 1 इसलिए लिखा ताकि हमें कॉमन लेने में दिक्कत ना आए. लाइन नंबर 1 का ग्राफ डाउनवर्ड्स है. सेकेंड पे आ जाओ. जब एक्स की वैल्यू 0 है वाई 5 यहाँ बनेगा. जब एक्स बेटा 2 है तो वाई 0 कहाँ बना, यहाँ बना. आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया. ये कौन सी लाइन है हमारी, लाइन नंबर 2. लाइन नंबर 2 का ग्राफ कैसे था, टूवर्ड्स ओरिजिन. डायरेक्शन ट्रू है ये ना, ट्रू का मतलब होता है टूवर्ड्स ओरिजिन. अब आप कहोगे एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है. बेटा एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है ग्राफ जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा. दूसरी बात, ये एक्स एक्सिस है. एक्स के ऊपर वाई का हर पॉइंट क्या होता है, 0. और 0 से बड़े नंबर कहाँ है, अपोजिट. 0 से ग्रेटर नंबर कहाँ है, अबव. पॉजिटिव नंबर 0 से ऊपर 1 2 3 4 आ रहे हैं. एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का हर पॉइंट 0 है और वाई ग्रेटर देन 0 का ग्राफ अबव बनेगा. ये सारी वाई एक्सिस है. और बेटा वाई एक्सिस पे क्या 0 होता है, एक्स 0. और ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, आगे. 0 से बड़े नंबर 1 2 3 4 यहाँ है. अब हमने क्या लेना है, इनका कॉमन डिविजन. ध्यान दें लाइन नंबर 1 के लिए डाउनवर्ड्स, लाइन 2 ने इसको कट करा ये भी डाउनवर्ड्स. थर्ड लाइन ऊपर जा रही है, फोर्थ लाइन यहाँ आ रही है. अगर आप ध्यान दें बेटा तो क्या ये नहीं बना हमारा शेडेड रीजन. अगर आप ध्यान दें दिस इज द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन. इसको नाम दे सकते हो ओ ए, दिस इज ए बी एंड से दिस इज पॉइंट सी. ओके, अब आपने क्या करना है, ये जो चार पॉइंट्स हैं ओ ए बी सी, इन चारों में एक्स वाई की वैल्यू निकाल के 1 by 1 स्टेटमेंट में पुट करना. जो वैल्यू सबसे बड़ी आएगी वो मैक्सिमाइज होगा और जो वैल्यू सबसे छोटी आएगी दैट इज कॉल्ड मिनिमाइज. स्टार्ट करते हैं ओ से. ओ मीन्स ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0. ए पे एक्स की वैल्यू 2 है बेटा और वाई की वैल्यू क्या है, 0. सी पॉइंट देखो, वाई एक्सिस पे वाई पे एक्स की वैल्यू 0 होती है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3. वाई एक्सिस पे एक्स का हर पॉइंट 0 और वाई आ गया 3. अब आपने देखना है बी पे, बी पॉइंट पे एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. बी पॉइंट पे एक्स वाई कैसे फाइंड आउट करें. अब आप देखो बी पॉइंट को कट करने वाली लाइंस कौन कौन सी हैं. एक तो लाइन नंबर 1 है और एक लाइन नंबर 2 है. तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1 and 2 को. एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं. इक्वेशन नंबर 1 है 3x + 5y - 15 = 0 और सेकेंड इक्वेशन क्या है, दिस इज 5x + 2y - 10 = 0. आपने 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है, हम उसी से कर रहे हैं. नहीं तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लेना. वो क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 3 1 2 रूल क्या था. सबसे पहले x लिख लो, फिर y और यहाँ लिखो 1. 2 3 1 2 का मतलब है सेकेंड टर्म क्या है, 5 2. 3 का मतलब थर्ड टर्म -15 - 10. 1 का मतलब फर्स्ट टर्म 3 और 5. और 2 का मतलब क्या है, 5 और 3. इज दैट क्लियर. 2 3 1 2 में हमने क्या किया, सेकेंड टर्म 5 2, थर्ड है -15 - 10, 2 3 1 और ये रहा. सॉल्व करें एक्स अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -15. बीच में साइन माइनस का और -30 का आ रहा है तो -30 हो गया. ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, वाई अपॉन कितना आएगा, माइनस का 15 - -30 + 30. 1 upon 3 2 = 6, -5 5 = 25. ओके, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करा. सॉल्व करें कितना एक्स का, -20. वाई ओवर -5, 7 में से 3 = 4. 1 upon -19. बेटा जब आप फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करोगे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 20 अपॉन में -19. सॉल्व करा तो एक्स आ गया 20/19 और सिमिलरली वाई की वैल्यू आएगी 45/19. अब आपने क्या करना है, ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स को 1 by 1 z में पुट करेंगे. ध्यान दे कैसे पुट करेंगे हम. सबसे पहले हमने कहा एट ओरिजिन 0 0 पर z किसके इक्वल होगा, बेटा x को 0 y को 0 स्टेटमेंट में पुट करो. 6 × 0 + 5 × 0 कितना आ गया, 0. सेकेंड पॉइंट o के बाद आया a. a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 0. z क्या आएगा, 6 × 2 + 5 × 0. 6 × 2 = 12. 5 × 0 = 0. 12 में 0 ऐड करेंगे, 12 भी आएगा. तो ए के बाद आए बी पे. बी के कोऑर्डिनेट्स चेक करो क्या दिया हुआ है. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, अभी हमने फाइंड आउट करा दिस इज 20/19 और 45/19. हमने देख लिया जेड किसके इक्वल आएगा, 6 × 20/19 + 5
5 मल्टीप्लाई 45 बाई 90, एलसीएम लिया 19, ये आया 120, ऐड करो 345 बाई 90, ठीक है जी, सिंपल एडिशन करें, या लास्ट स्टेप एट सी, ऑर्डिनेटर 03, जेड क्या आएगा, एक्स को 0 पुट करें और वाई की जगह 3 पुट करें, वैल्यू कितनी आ गई 15। अब आप ध्यान दें, ये 0 है, ये 12 है, ये 15 है, ये वैल्यू क्रॉस करेगी 15 पॉइंट समथिंग, अब डिवाइड करके देखना, कर लो 345 को 15 से 19 से डिवाइड, ये बेटा 7 से करके देखो, 7 3 से कट चाहिए, 7 हो रहा है, सेवनटीन पॉइंट क्रॉस कर रहा बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू ये आई है, तो आप आंसर में क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कौन सी आई है, 345/90, ये आंसर आ गया आपका, जो मैक्सिमम वैल्यू आई है जेड की वो 345/90 नहीं, कौन से पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू 20/19 और वाई इज इक्वल टू 45/90, बेटा इसी से रिलेटेड है आपकी पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन, जो मैंने आपको टाइप बताई इससे हटके कुछ नहीं आएगा, और डेट शोर है इसी में से एक क्वेश्चन आएगा आपका, जो इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ इक्वेशंस, वो भी 2 मार्क्स में कभी कभार पूछी जाती हैं, पर ज़्यादातर चांस इसी क्वेश्चन का आने का है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, कोई भी आपकी डाउट या क्वेरी है तो आप प्लीज़ मैसेज करें।